पॉलिनोमियल कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो अगर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखा जाए तो यहाँ पर डिग्री के हिसाब से देखा जा रहा है कि डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल कितने प्रकार के हो सकते हैं, यानी पावर के हिसाब से। तो लीनियर वैसे पॉलिनोमियल को हम कह सकते हैं जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 1 हो। उदाहरण के तौर पर 2x+5 हाईएस्ट डिग्री x का 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। या हम 3y-6 यह ले सकते हैं, या 2x-5y ले सकते हैं। ये जितने भी टर्म लिखे गए हैं सभी में देखोगे तो डिग्री क्या है, 1 है। इसमें भी डिग्री 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो इसलिए ये पूरा जो है लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से जाना जाएगा। लेकिन अगर बात यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की आती है तो इसमें डिग्री हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। उदाहरण के लिए हम x²-2x+5 अगर लेंगे तो इस पूरे पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री ये है और इसका डिग्री कितना है, 2, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। एक और उदाहरण लो, xy-5x+3। इसमें देखो यहाँ पर x और y दो वेरिएबल है, x पर भी डिग्री 1 है और y पर भी डिग्री 1 है, लेकिन दोनों गुना में है। तो 1 और 1 जुड़ करके दोनों हो जाएगा, तो इसलिए इस पूरे टर्म का डिग्री 2 बोला जाएगा, इसका डिग्री 1 बोला जाएगा और इसका डिग्री 0 बोला जाएगा। इसलिए यह जो पॉलिनोमियल हुआ यह भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है। अंतर केवल इतना है कि इसमें एक वेरिएबल नहीं हो करके 2 वेरिएबल है। ये 1 वेरिएबल हो गया, ठीक है, तो यह भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और यह भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके बाद क्यूबिक, तो क्यूबिक में जो हाईएस्ट डिग्री है वो 3 आना चाहिए। जैसे हम ले सकते हैं x³-8 या ले सकते हैं x³-2x²+5 ये ले सकते हैं, या अगर हम वेरिएबल में बांट दें तो x²y+6 ये भी हो सकता है। क्योंकि देखो इसमें देखा जाए तो x पर पावर 2 यहाँ है और y पर पावर 1 यहाँ है, तो मिल करके क्या हो जाएगा, डिग्री 3 हो जाएगा।